वहीं खबर रोहतास की सासाराम से है, जहां बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री व जदयू नेता अशोक चौधरी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेवजह बयानबाजी कर वह राजनीति के स्तर को नीचे गिरा रहे हैं। अपने बयानों में हल्की बातें कर सम्राट चौधरी क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने सासाराम के परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड आइडियोलॉजी और सिद्धांत की बात करती है, जबकि भाजपा के नेता सिर्फ बयानबाजी कर अपनी छवि चमकाने में लगे हैं। राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण है, ऐसे में व्यक्तिगत टिप्पणी से सम्राट चौधरी को बचना चाहिए। किया है नीतीश कुमार जी पर, उन्होंने उनके पिताजी के स्वतंत्रता सेनानी होने पर सवाल खड़े कर दिए। कल नीतीश जी के पिताजी के स्वतंत्रता सेनानी होने पर सवाल खड़े कर, हम लोग इस तरह की बात नहीं करते। हम लोग राजनीति का स्तर इतना नहीं गिराते हैं कि हम पिताजी माताजी बाल बच्चों से, हम आम विचारधारा के लोग, हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है। हम दबे कुचले शोषित वंचित को इम्पावर करने की आइडियोलॉजी रखते हैं। नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ जिसने दलितों के बजट को अपने कार्यकाल में 400 गुना बढ़ाने का काम किया। ये सब तो टीका टिप्पणी, ओछी टीका टिप्पणी है। इस सब पर हम लोग राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं। किस व्यक्ति ने काम किया, किस व्यक्ति ने क्या दिया, किस व्यक्ति ने किन योजनाओं का निर्माण किया, जिससे कि हम 2007 के पहले कितने दलित के लोग मुखिया होते थे। क्या जनसंख्या दलितों की नहीं थी? क्या अति पिछड़ों की जनसंख्या इस प्रदेश में नहीं थी? कितने दलित मुखिया होते थे, कितने दलित अति पिछड़ा होते थे, कितनी महिलाएं मुखिया होती थी? माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देके एक नई राजनीतिक पीढ़ी की को जन्म देने का काम किया। इसीलिए ये सम्राट क्या बोलते हैं, फल्ला जी क्या बोलते हैं, इस सबसे हम लोग को सर 5 तारीख के कार्यक्रम को लेकर क्या करेंगे? 5 तारीख को पूरे प्रदेश में हम लोगों का भीम संसद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले पूरे सब डिवीजन स्तर पर भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन पार्टी ने किया था पूरे प्रदेश में, और उसके बाद पार्टी के जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के नेता हैं उन लोगों का ये निर्णय हुआ कि एक बड़ा कार्यक्रम पटना में होना चाहिए भीम संसद का। और उसी लिए हम लोग सब लोग, हमारे रत्नेश सदा जी, सुनील जी, निराला जी, सब लोग जो भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, अरुण मांझी जी से लेकर रुबेल रविदास से लेकर जितने कार्यकर्ता हमारे पार्टी के हैं नेता, जो नीतीश जी की विचारधाराओं पर विश्वास रखते हैं, सब लोग अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम कैमूर और रोहतास के दौरे पर आए हैं। महादलित टोलों में अपने जो समाज के लोग हैं, इन 17 वर्षों में नीतीश जी ने क्या काम किया है और उस काम का लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, किस तरह से कुछ राजनीतिक दल के लोग इस देश में संविधान पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आरक्षण पर भी कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसके लिए सभी तमाम जो लोग हैं अपने समाज के, उनको सजग और सतर्क करने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि इन जैसे इन लोगों के मंसूबों को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। इसीलिए चेतावनी एकता के साथ हम सबको एकजुट रहना है, और अपने नेता नीतीश कुमार जिन्होंने इन 17 वर्षों में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का काम किया है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए 5 नवम्बर को पटना आने का आमंत्रण दे रहे हैं। साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। पहले नंबर लगाने पर ऑपरेशन फी में विशेष छूट भी दी जाएगी। पता नोट कीजिए, साई हॉस्पिटल, चुन्नी मोड़, छातापुर, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641।